तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाने वाले वीडियो पाकिस्तान की हैं, जो कि पाकिस्तान के 12 लोग जो है फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए थे और जो है कनाडा में पकड़े गए हैं। तो आइए चलिए आपको हम दिखाने वाले इस वीडियो में हैं कि वहाँ की पब्लिक क्या बोलती है और वहाँ की मीडिया क्या बोलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जबरदस्त हो गया जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। टॉपिक ये है कि 12 पाकिस्तानी कनाडा में गए, वहां पे जाली डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसके बाद बैंक में अप्लाई किया अकाउंट खुलवाने के लिए ये वो, लेकिन पकड़े गए हैं फ्रॉड के सिलसिले में। और वहां पे जब वो पकड़े गए हैं उनसे बहुत से क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऐसे निकले हैं और वो पूरी दुनिया में अब ये खबर चल रही है। क्या कहना चाहेंगे, कनाडा हो दुबई हो कोई कंट्री हो, हम मैं किसी कंट्री को नहीं कहता, पाकिस्तान शुरू से ही, मेरी एज 98 हो गई है, ठीक है, शुरू से ही बदनाम है। क्या वजह, वहाँ पे मंदिर बना है, क्यों बना है, किस वजह से बना, क्यों बना है, क्यों बनाया गया, वो अब वो भी हिंदुओं वाले काम कर रहे हैं अब नहीं तो फिर वो तो मुसलमानों का मुल्क है ना, फिर तो वहाँ पे भी अजाब आना चाहिए। अजाब आया नहीं अब पिछले लास्ट दिनों पे, क्या दुबई में इतना ज्यादा सैलाब आया, क्यों आया? तो वो तो उन्होंने एक दिन में कवर कर लिया। वो मंदिर अभी बना है, ठीक है, वो अबू धाबी में बना है, लेकिन दुबई में तकरीबन 50 साल पहले का मंदिर मौजूद है। सबसे ज्यादा जो हरीफ है, खतरनाक जिसको समझते हैं या बहुत ज्यादा जिसके हम खिलाफ बोलते हैं, वो इंडिया ही है ना। हाँ, हमारा है। जो हमें बताया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। अब इंडिया में आईटी का इतना लेवल है, हमारे पूरे मुल्क में 8 आईटी के पार्क्स हैं, जिस तरह अरफा करीम टावर है और भी बहुत ज्यादा है। इंडिया में 1800 आईटी के टावर्स हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। खबर के मुताबिक कनाडा में 12 पाकिस्तानी को अरेस्ट किया गया है, जो कि फेक डॉक्यूमेंट बना के बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रहे थे। और जब उन्हें अरेस्ट किया गया, उनसे बहुत से डॉलर्स मिले, उनसे बहुत से फेक जो उनसे हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मिले। और इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। कनाडा हो, दुबई हो, यूएई हो या दुनिया का कोई कंट्री हो, आए दिन हमें खबर मिलती रहती है कि कभी ये खबर मिलती है भीख मांगते पकड़े गए, कभी ये खबर मिलती है कि फ्रॉड करते पकड़े गए, कभी ये खबर मिलती है ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीजा पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दिया। आखिर क्या वजह है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ है या पाकिस्तानी खुद अपना काम ऐसा करते हैं जिसकी वजह से एक तो इमेज भी खराब होता है, ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू कम होती है। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है जानेंगे वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान। क्या करते हैं भाई? मैं प्रॉपर्टी का काम। जबरदस्त। और आपका नाम? महमूद अल। आप क्या करते हैं? मेरा पोल्ट्री का बिजनेस। पोल्ट्री का बिजनेस कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, बेहतर चल रहा है। आजकल थोड़ा सा डाउनफॉल आया हुआ है, ठीक हो गया, बाकी ठीक है, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चले अच्छा, मुझे सबसे पहले बता दें, कभी फॉरेन कंट्री में, पाकिस्तान के बाहर किसी भी कंट्री में विजिट हुआ, कभी इत्तेफाक हुआ आपका बाहर जाने का, फिर उसके बाद टॉपिक पे आते हैं। जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली मैं सऊदीया गया हूँ रमजान में, ठीक है, और इससे पहले 2 मरतबा भी मैं सऊदी अरबी गया हूँ, ठीक है, 3 मरतबा सऊदी जाना हुआ। 3 दफा आप सऊदी अरेबिया का विजिट कर रहे हैं, मुझे बताएं, इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरेबिया, ठीक है, और बड़ा पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए बड़ा वैल्यूएबल कंट्री है, वहाँ पे पाकिस्तानियों को किस नज़र से देखा जाता है आजकल खास तौर पर, सच बताइएगा जो आपने ऑब्जर्व किया। सर सबसे पहले तो वहाँ पे जो जिस चीज़ का मैं आई विटनेस हूँ वो ये है कि वहाँ पे पाकिस्तानी लोग जो है, खास करके लेडीज़ को मैंने ज़्यादा अच्छा तादाद में उनको देखा है कि वो अपने बच्चों को साथ लेके रोड्स के ऊपर भी, कॉर्नर्स पे भी बैठ के वहाँ पे वो भीख मांगते हैं। अच्छा। और उर्दू स्पीकिंग है उर्दू में, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो आम यानी के कंट्रीज की बनिस्बत बहुत ज्यादा जाते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी भी उर्दू समझते हैं, बोलते हैं, इंडियंस भी उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, वो इसलिए ज्यादा वहाँ पे वो लोग मौजूद तो, होते हैं। तो वो अभी रिसेंटली उन्होंने 4000+ जो है ना वो भीख मांगने वाले वहाँ से अरेस्ट करके उनको रिपोर्ट किया, जिनमें अक्सरियत जो है वो पाकिस्तानियों की। अच्छा, खबर ये है कनाडा में 12 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है, और वो कर क्या रहे थे, कनाडा में जाके फेक डॉक्यूमेंट बनाए, बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने की कोशिश की, फ्रॉड करने की कोशिश की, और जब वो पकड़े गए हैं बहुत से डॉलर्स उनके पास मौजूद थे, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दर्जनों की तादाद में मौजूद थे। क्या यह खबर सुन के कैसा फील हुआ, मतलब आप पहले तो ये बताएं, सच समझते हैं इस खबर को? सर अगर तो आप जिस तरह बता रहे हैं ये सच है तो हमारे लिए तो बाइस शर्म है, ठीक है, एज अ पाकिस्तानी के हमारी जो इज्जत है वो ऑलरेडी सारी दुनिया के सामने बहुत ज्यादा डी वैल्यू, ठीक है, पासपोर्ट की वैल्यू, पासपोर्ट की वैल्यू इस तरह है कि आप सऊदीया अल्लाह ताला आपको उम्रे पे ले जाए, आप जाएंगे तो
तो वो पाकिस्तानियों की एक सेपरेट लाइन है। अच्छा, आपने वहाँ से गुजरना है तो आपने अपने जूते भी जो है ना वो ट्रे में रखने हैं, वो भी स्कैन होने हैं, तो वो पास होके आप आगे जाके अपने जूते फिट पहने। ठीक हो गया, ये हमारी इज्जत है। ठीक है, सऊदी अरेबिया में, ये सऊदी कंट्री है, सऊदी अरेबिया में इज्जत है। तो फिर जो दूसरे यूरोप कंट्रीज हैं जिधर हम ये कहते हैं जिस नॉन मुस्लिम के कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे हमारी क्या इज्जत होगी? वो आपने जिस तरह अभी आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि 12 लोग हैं, उन 12 लोगों ने ये जो हरकत की है, इस हरकत से 19-20 करोड़ आवाम के मुंह पे थप्पा लगा। ऐसे ही है। फिर हम कहते हैं कि कनाडा, अमेरिका और यूरोप हमें वीजे नहीं इशू करते। ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी बेस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, स्टूडेंट्स जाते थे उन्होंने बैन कर दिया। रीजंस यही है, स्टूडेंट्स भी जाके वहाँ पे यही गैम्बलिंग कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं लोगों से। दुबई है, दुबई ने भी पाकिस्तानियों के ऊपर बैन लगा दिया है। हाँ, दुबई में सिटीज तो में, कुछ सिटीज का ऊपर बैन लगा, ये नहीं है कि जिस तरह शेखपुरा है। हाँ। और एक दो और जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको उन्होंने बैन किया हुआ है। अच्छा, हमें कुछ लोगों को ये बताया जाता है कि ये नॉन मुस्लिम है, साजिश करते हैं, ये यहूदी, ये काफर, ये साजिश करते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों के साथ ऐसा करते हैं। आप बताएं, वो साजिश करते हैं या हम खुद अपने खिलाफ साजिश करते हैं? सर, हम खुद अपने खिलाफ साजिश करते हैं, और उसकी रीजन ये है कि मैं फिर आपकी बात को दोहराऊंगा कि 12 लोगों ने उधर ये साजिश कर दी है। हाँ। और 18-19 करोड़ आवाम जो है ना वो इस चीज को झेलेगी, फेस करेगी, फेस करेगी। दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लोग भी, खास तौर पे अगर इंडिया की बात कर ले, वो भी तो जाते हैं वहाँ पे। इवन दुबई में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ है, और वहाँ पे जिस तरीके से इंडियंस की रिस्पेक्ट है या जिस तरीके से उन्हें जॉब में प्रेफर किया जाता है, आपको लगता है कि पाकिस्तानियों को उस तरीके से किया जाता है? उनकी कैसे ज्यादा वो है? सर, उनकी मेजर वजह तो यही समझते हैं हम, मैं अगर अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, कि हमने उधर जाते साथ ही ऐसे लोग हैं जो उधर जाते साथ आईडीज बनाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, फ्रॉड किया, पैसे हाथ में किए और पाकिस्तान आ गए। ठीक हो गया। सर, वो पंजाबी कहते हैं कि भुखा जड़ा बंदा होता है ना, उनके नाल कोई नहीं लड़ता। अच्छा। तो असी तो अगे कंगले हैं, कंगले नाल किन्ने लड़ना है, वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके ना गुजार रहे हैं। ठीक हो गया। उन्हें जरूरत, इंडिया को इससे जरूरत है हमारे साथ। सबसे ज्यादा जो हरीफ है, खतरनाक जिसको समझते हैं या बहुत ज्यादा जिसके हम खिलाफ बोलते हैं, वो इंडिया ही है ना। हाँ, हमारा है। जो हमें बताया जाता है, बताया जाता है। ठीक है। अब इंडिया में आईटी का इतना लेवल है, हमारे पूरे मुल्क में 8 आईटी के पार्क्स हैं, जिस तरह अरफा करीम टावर है और भी बहुत ज्यादा है। इंडिया में 1800 आईटी के टावर्स हैं, 1800 आईटी पार्क्स। मेरे ख्याल से फर्क बता रहे हैं, पाकिस्तान में सिर्फ 8 और इंडिया में 1800। मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, इंडिया में 1800 होंगे, 2000 होंगे, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 8, मेरे ख्याल से ये ऐसा। सिर्फ 8 आईटी पार्क्स हैं, आप अपने सर्वे कर लें। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। मेरे लिए तो बड़ी हैरत वाली बात है, और ऐसी दौर में हमारा कोई कंपटीशन तो फिर बनता नहीं। कोई कंपटीशन नहीं है सर, वो दिन ब दिन उनकी इकोनॉमी आगे जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे जा रहा है, हम अपनों को ही मार रहे हैं, अपनों से लड़ रहे हैं। इस चीज से जिस दिन हमें फुर्सत मिल जाएगी, आगे चले जाएंगे। जबरदस्त हो गया। लास्ट में अंकल जी, आप बता दें, कभी फॉरेन कंट्री में जाने का इत्तफाक हुआ हो, या कोई आपके रिश्तेदार दूसरे कंट्री में रहते हो, क्या बताते हैं, क्या रिस्पेक्ट है पाकिस्तान की, या पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की? नहीं, मेरा कोई रिलेटिव तो है बाहर के, तो क्या बताते कंट्री, लेकिन मैं बताते खुद मैंने ट्रेवल नहीं किया। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान के जो पासपोर्ट की कंडीशन है वो तो बहुत ज्यादा खराब है। ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा डी वैल्यू, और उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हम बजाते खुद आवाम है। ठीक है। जितनी देर हम अपनी हालत नहीं बदलेंगे, उतनी देर हमारे हुक्मरान तो हालत नहीं, हालत अपनी काम नहीं बदलेंगे। काम है या हालत है या जैसे भी है, जो हमारे बिहेवियर है, जैसे हमारी एक्सपोर्ट देख लें आप, एक्सपोर्ट के मामले में आप चले जाए तो इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे है। नो डाउट, हमारी एक्सपोर्ट जो है, हम जितनी देर जो चीज हमसे, कोई भी क्लाइंट हमसे मांगता है बाहर, यूरोप कंट्री है, ये अरेबिक कंट्री हैं, जितने हैं जो भी मांगते हैं, हम जितनी देर उसमें दो नंबरी नहीं करते तो हम दो नंबरी करते हैं, तो हमसे लेते ही रिसेंटली अभी आप देखें। ठीक है। कि जो किसान अपना दिन रात मेहनत करता है, सारा एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है, उसका हम क्या हाल कर रहे हैं, वो आए दिन वजीर आला हाउस के सामने, पंजाब हाउस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वजह यह है या फिर सारे करप्ट है? मुझसे मेयर करप्ट है। मैं भी यही कहने लगा था, सारों में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, मैं करप्ट हूँ, मैं भी काफी दफा ऐसा कर जाता जो इंसान नहीं करना चाहता। क्या वजह उसकी? अगर उसकी वजह यह है कि हमारे हालात ऐसे कर देते हैं जो हम इंसान सिस्टम ऐसा। हाँ, बिल्कुल, सिस्टम काफी खराब है हमारा। ठीक है। ऑल टू ऑल पाकिस्तान इसमें सब है। ठीक हो गया। कोई भी नहीं है इसमें। अच्छा। हम कारोबार करते हैं, हमें आए दिन कोई ना कोई मसला हो जाता है, हमने हेलमेट पहना भी है तो हमारा चलान बेकसूर कर देते हैं। क्यों करते हैं?
कोई पूछने वाला नहीं इनको। अच्छा एक चीज इधर मैं ये कहना चाहूंगा, करप्शन दुनिया के हर कंट्री में होगी, बेईमानी दो नंबर हर कंट्री में होगी, हर मुल्क पाकिस्तान का क्यों उस तरीके से ज्यादा? पाकिस्तान हर जगह पे बदनाम इस वजह से क्योंकि यहाँ पे दो नंबर सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसमें क्योंकि एक चीज का रेट बढ़ा है दूसरी का खुद आवाम ने बढ़ा देना, ऐसे ही है। अब हमें कोक की बोतल थी 50 रुपए, अब खुद कंपनी ने अभी रेट बढ़ाया ने दुकानदार 60 रुपए, क्यों किस वजह क्यों, पूछने वाला कोई नहीं है। आर्टिफिशियल महंगाई करते जाते हैं, मैं महंगाई कर देता हूँ, कुछ चीजें बढ़ती है कुछ चीजें खुद ही लोग बढ़ा देते, क्यों बढ़ाते हैं कोई पूछने वाला नहीं। हमारे बड़े भी करप्ट है, बड़ों से लेकर नीचे से फिर करप्ट ही होना है सारों ने, जब उनको एक चीज महंगी मिली उन्होंने भी आके महंगी देनी। मैं अब सप्लाई करता हूँ, हमें बैग से रेट महंगा मिलेगा तो हमने भी आगे रेट बढ़ाना है, ठीक हो क्यों हम बढ़ाए, पेट्रोल महंगा हमारे भी खर्चे, जाहिर सी बात हमने भी कमाने हैं, जाहिर बात है। अच्छा ये जो आप बात कर रहे हैं ना, डेफिनेटली ये तो हो गई इंटरनल मैटर हो गया, हम आपस में जो भी कर रहे हैं चले कहीं ना कहीं बात इधर रहती है, जब दूसरे कंट्री में जाके यानी कि लेट्स सपोज आप हैं और आपका भाई है घर में लड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं बात घर में रहती है या थोड़ा बहुत मोहल्ले में कुछ पता होता है, लेकिन जब आप साथ वाले घर या किसी दूसरे मोहल्ले में जाके लड़ेंगे या कोई बेईमानी कोई चोरी करेंगे तो पूरे इलाके में पता चल जाएगा कि ये बंदा, पूरे इलाके में पता चल, पूरे इलाके में मुझे करप्ट कर दिया जाएगा, बदतमीज ऐसी तमीज नहीं बोलने, ठीक है। तो पाकिस्तानी जब बाहर जाके करते हैं ये नहीं देखते कि यार मेरा इमेज तो खराब हो रहा है साथ पूरी दुनिया में, पाकिस्तान का इमेज भी खराब हो रहा है। पाकिस्तान यहाँ से जाते हैं अब सऊदीया, अरे बड़ा ही माना था ना हमारा ना, बड़ा हम रिस्पेक्ट देते हैं, यहाँ से लोग क्यों मांग रहे हैं वहाँ पे जाते हैं, वजह यही पॉइंट है। मुसलमान मस्जिद जाने के लिए तैयार नहीं है, वैसे हम उस पे यही पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, देने के लिए तैयार है, यानी कि हम खुद को नहीं बेहतर करेंगे, मैं नहीं है पूरे अपने अमल से अपने काम से ये साबित करूंगा कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये कहूंगा तुम पहले अच्छे हो जाओ। दूर की बात नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटियों का क्या हाल है, ठीक हो गया, वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसा कल्चर चल रहा है, हमारा इस्लाम ये कहता है, ठीक हो गया, इस टॉपिक पे तो आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं ये तो जाहिर बात है पूरी दुनिया में इन चीजों, हमारा तालीमी निजाम ही सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क करने वाला, एजुकेशन सिस्टम यस, वो दीन से हटके करते हैं, कहते हैं बच्चा पढ़ लिख के जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे दीन की तो तलीम है नहीं, मुझे भी नहीं है नॉलेज। नहीं अगर देखें दीन आपने अपनी जगह जो आपका एक स्टांस है आपका लॉजिक है वो मैं समझ रहा हूँ बेहतर है, ठीक है, लेकिन दूसरे कंट्रीज हैं क्या वहाँ पे जिस कंट्री में यानी दीन नहीं है वहाँ पे यही होगा चोरियां होंगी, बड़े ऐसे एग्जांपल्स हैं हमारे बड़े, वहाँ पे मुल्क को छोड़ दे, वहाँ पे जैसे आप दुबई है वहाँ पे मंदिर बना है, क्यों बना है, किस वजह से बना, क्यों बना है, क्यों बनाया गया वो, अब वो भी हिंदुओं वाले काम कर रहे हैं, अब नहीं तो वो तो मुसलमानों का मुल्क है ना, फिर तो वहाँ पे भी अजाब आना चाहिए, अजाब आया नहीं अब पिछले लास्ट दिनों पे, क्या दुबई में इतना ज्यादा अजाब है, क्यों आया, तो वो तो उन्होंने एक दिन में कवर कर लिया, वो कवर किया जैसे भी किया, इस चीज का तो नहीं हमें नॉलेज, हम कौन सा दुबई जाते रहते हैं, वो कौन सा अभी बना है, मैं उधर विजिट किया था जिन दिनों पे जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं ना उन्हीं दिनों में मैं उधर गया था, वो मंदिर अभी बना है, ठीक है, वो अबू धाबी में बना है, लेकिन दुबई में तकरीबन 50 साल पहले का मंदिर मौजूद है जो वहाँ पे हो सकता है, हमने नहीं कभी सुना, हमने तो अब सुना है, यही बात है ना कि हमें आधा बता, ज्यादा दूर की बात नहीं है, फलस्तीन के बच्चे इतने मरे, हमारे मुल्क को गैरत नहीं आ रही, क्यों नहीं हम बोल रहे, यानी हमारे हम सब नहीं बोल रहे, हमें पास टाइम है सोशल मीडिया यूज करने का, पर हमारे बाहर इत्तेजाद करने का नहीं है, बाहर जंग करने का नहीं है, क्यों नहीं है, ठीक हो गया, वजह आप समेत हमें, हम चीजें को बायकॉट भी नहीं कर रहे प्रोडक्ट को, ठीक हो गया, चले वो तो चले नहीं बायकॉट करते क्योंकि आधे से ज्यादा मुल्क ही हम सब यूज करते हैं, अगर वो नहीं अगर बायकॉट का चले लाता नहीं, एक मिनट मुझे बात करने का मौका दें, अगर इसराइल या यहूदियों की प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने पे आए ना मेरी बात सुने, फिर हमें ये मोबाइल सॉफ्टवेयर भी बायकॉट, सारा कुछ बायकॉट कर, वो एक लेता ये टॉपिक है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान में प्रोडक्ट बनी है, कोक है राइवेंड पे बनी, वो हमारे मुल्क में बनी है, हत्या के नाम उनका, ठीक हो गया, अब सर्फ एक्सल है वो भी बाहर का, सेफ गार्ड वो भी बाहर का, तो हमारे अपनी प्रोडक्ट्स को क्यों नहीं हम प्रमोट करते, हमारे प्रोडक्ट्स असल बात है जो हमारे बड़े हैं ताजर है उनकी गलती है, वो अपनी यहाँ पे डाइयां लगा के वो बनाते हैं फैक्ट्री प्रोडक्ट उनका यूज करते हैं, रेपर उनका यूज करते हैं, उनको शेयर्स जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ ना कि उनका नाम बिकता है हमारा नाम, यानी पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है कोई खरीदेगा ही नहीं, हाँ बस इस वजह से हमारे हम समेत नहीं यूज करते, इसका मतलब फिर ये भी हुआ साथ कि जब पाकिस्तानी प्रोडक्ट पाकिस्तान में ही नहीं कोई खरीद रहा, तो इसका मतलब है लोग पाकिस्तानी हमारे से ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा दूसरे कंट्री पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इसराइल पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि भाई उनकी प्रोडक्ट अच्छी होगी। अब पिछले दिनों बच्चे जो पैदा हुआ है फलस्तीन में जो मारा गया, ठीक है 16 दिन का बच्चा, तब नहीं हमारी गैरेज जागी, लास्ट मंथ के बाद रमजान की, तब भी नहीं हमारी गैरेज जाती, क्यों नहीं जागी, किसी की भी नहीं जागी, नहीं क्या वजह है कि पूरी दुनिया में अगर हम पूरी दुनिया हमारे बड़े ठीक होंगे तो आगे सीख, वो हमें जिहाद का क्या, क्यों नहीं जाएंगे, सारी दुनिया जाएगी, नहीं आप कहते हैं जिहाद नहीं, वो तो जब ये जिहाद तब होता था जब ये कोई इस तरीके से हुकूमतें नहीं थी होती, कोई सरदार का सिस्टम होता था, अब जो अब जो है ना वो पाकिस्तान कोई भी दुनिया का कंट्री है उसके जो अदारे हैं या गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट में सारे करप्ट है, हमने तो
लाइफ में पहली दफा वोट दिया, हमारा वोट ही गैप हो गया। ठीक हो गया। चले मुझे ये बताएं, आने वाले टाइम में आपको लगता है कि यार खैर है, मुश्किल वक्त हर कौम पे हर कंट्री पे आता है, तो आने वाले टाइम में बेहतरी हो जाएगी? नहीं होगी इसमें। नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। होनी नहीं, सारी जिंदगी नहीं होनी। 75 साल से क्या हो रहा है? नहीं होना। 75 साल से क्या हो रहा है? इससे अच्छा तो हम तो क्या इससे अच्छा तो हम गुलाम ही रहते, वो बेस्ट था। नहीं, ये तो बात नहीं, नहीं वो फिर बेस्ट था। अच्छा। देखे इससे इतनी कुमरा, अब गरीब का बच्चा यहाँ पे लोग यंग यूथ मांग रही होती है, ठीक है, हम जितने भी मांग रहे होते हैं। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ अगर अभी कैमरामैन अगर कैमरा घुमाएंगे, मतलब रात का टाइम है लेकिन अभी भी यहाँ पे काफी लोग मांग रहे हैं, 5-6 लोग तो इधर इसी एरिया में नजर आ जाएंगे। क्यों मांग रहे हैं? ठीक है, बेरोजगारी है, ऐसे ऐसे लोग पढ़े लिखे हैं। मेरा क्लासमेट था, मैंने तो स्टडी छोड़ी, वो माशाल्लाह हर जगह हर फील्ड में देखा है, जो अब उसकी लास्ट ईयर है अभी तक उसे जॉब नहीं मिली, गवर्नमेंट जॉब तक नहीं मिली, उसकी पढ़ाई का इस मुल्क में फिर क्या फायदा? क्या सबसे बड़ी बात, हमें बाहर की बुक्स पढ़ा जाती, क्यों हमें बाहर की बुक्स पढ़ाई जाती? हमारी बुक्स नहीं है यहाँ पे, मिस्ट्री है। सिलेबस अच्छा करें, इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा करें, ठीक है, हमारा अपना सिलेबस होना चाहिए। हमारा मुल्क बाहर के मुल्क मारे, मैं भी कह रहा हूँ अपने पाकिस्तान में ऐसा सिलेबस हो कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज पढ़ाए, वो पढ़ाए ना, हम बाहर के मुल्क हमने क्या पढ़ के करना है? ठीक है, अब केमिस्ट्री सब्जेक्ट है काफी, अब मुझे तो नाम वगैरह नहीं आता, बाहर वगैरह के टॉपिक वो हमें किस काम आएंगे? नहीं नहीं, वो तो साइंस के है ना, वो साइंस की बाहर की बुक्स है, पाकिस्तानी बुक्स सर। देखें इस बात, पाकिस्तान की जो साइंटिस्ट है जो आसिया नाम की जी, वो किधर गई है? बाहर आफिया करप्ट हो गई है, क्यों हुई है? हमारे मुल्क इतने सालों से वो ही नहीं छुड़ा पाते। डॉक्टर अब्दुल कतीर हैं जैसे, काफी ऐसे नाम है जो हमें नहीं पता, इलम में ऐसे बंदा कह दे, ठीक है। आफिया का भी लास्ट ईयर, मुझे लास्ट मंथ भी लास्ट ईयर में पता, और इस तरीके से जो उन्हें अमेरिका ने अरेस्ट किया, स्टडी करने गए, क्यों गई है? वो हमारी इस्लाम की मुल्क है, शहजादी है, वो हम नहीं छुड़ा पा रहे इतने सालों से, वो क्यों नहीं छुड़ा पा रहे? लेकिन उनपे अमेरिका का ये एलिगेशन है कि इन्होंने जो उनसे ना कोई ऐसे इलीगल ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऐसे राज या कोई ऐसा फार्मूला दिया, खैर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। तो वो किधर गया? वो उनके पता तो चले पाकिस्तान में, हमें पता चले हमारे मुल्क में एक लड़की गई है, ठीक है, तो वो किधर क्यों? इंटरनेशनल कोर्ट में हम जाए जाके बात करेंगे भाई ये क्यों ऐसा किया गया हमारे इंटरनेशनल। अब हम, मैं अपनी मिसाल देता, मैं भी चाहता हूँ मैं बाहर जाऊँ। अच्छा, मैं चाहते हैं बाहर जाए, जी मैं जाता हूं। आप क्या चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं या इधर ही रहेंगे? नहीं इधर ही रहेंगे। नहीं, क्या करते क्या आप? अभी तो स्टडी कर रहे हैं, फिर आगे इंशाल्लाह कुछ काम। आप बाहर जाना चाहते हैं या इधर ही रहेंगे? पाकिस्तान में रहेंगे। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूं। ठीक है। अच्छा, जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो अभी फिलहाल इधर कहीं मोहब्बत रखते हैं, जैसे ही डिग्री खत्म होगी जॉब नहीं मिलेगी। अच्छा, स्टडी कर रहा हूँ मैं, बाहर जाना चाहूंगा। क्या रीजन है? वैल्यू नहीं है इधर आपकी स्टडी की, डिग्री की वैल्यू नहीं, आपको डिग्री के जरिए आपको जॉब नहीं मिलती, आपने 16 साल मेहनत करते हैं और आपको इधर 20-30 हजार में भी आपको लगा देते हैं, तो कम से कम हमें बैठ जाएंगे, हमें कुछ देंगे तो सही, हमारी मेहनत का सिला तो मिलेगा। इस टॉपिक पे भाई को छोड़ दे, 20-30 हजार है, 20-30 हजार घर का राशन भी नहीं आता, बिजली के बिल, इतना बिल मंथली का दे देते हैं टैक्स पे लगा के, वो बिल हम कहाँ से अदा करें? जिस बच्चे की 30 हजार सैलरी, उसके 5-6 बच्चे हैं माँ बाप के, जाहिर सी बात वो कैसे अफोर्ड करेंगे? मुश्किल, वो चोरी डकैती नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? ऐसा ही है। तो इधर एक चीज ये भी नोट करने वाली है कि एक साइड पे हम ये कहते हैं कि जितने भी इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी जो भी जी यहूदियों की नॉन मुस्लिम की प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें बायकॉट कर दिया जाए, दूसरे नंबर पे हम खुद चाह रहे होते हैं कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान छोड़ के किसी फॉरन इंग्लिश कंट्री में चले जाए और वहां पे जाके सेट हो जाए। ये तो हमारी भी डबल स्टैंडर्ड नहीं है? डबल स्टैंडर्ड असल बात, हमारे लाभ ठीक नहीं होगा तो फिर हमने इधर रह के क्या करना है? अब हम जाते हैं, हम अब बाहर आए, अब हम यहाँ से जाते हैं थोड़ा सा आगे जाते, अल्लाह ना करे कोई भी हमें रोक लेता है, उससे कोई पूछने वाला ही नहीं है। मोबाइल स्नैचिंग और ये सारी चीजें, स्नैचिंग का तो छोड़ दे, कोई हमें वैसे ही अगवा वगैरह कर ले, उससे कौन पूछने वाला? ठीक है, इतना क्या हमारा बैग नहीं, अदारे तो हमारे हैं, पुलिस है, अदारे हैं। हाँ। अब पुलिस वाले इतने बेचारे मारे गए, पांच मारे गए ना अभी, अब उन्होंने किसी और को पकड़ना है, ठीक है, अल्लाह बेहतर जानते, वो उन बेकसूर माँ पे हो गए बच्चे, उस उन माँ बाप पे क्या गई है? ठीक है, यही जी है, और अभी लॉ कर रहा हूँ, BSK लॉ कर रहे हैं, आप क्यों ये कर रहे हैं? आपने तो ये नहीं मीडिया पढ़ा होना? अच्छा, नहीं मेरा तो शौक है, शौक की वजह से कर रहे हैं, आपने मीडिया मीडिया नहीं पढ़ा, ठीक है, तो ये किस चीज के लिए कर रहे हैं? मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि यार देखो, जो मेरी वजह से अगर आप या कुछ 5-10 लोग 100 लोगों की सोच बदल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। आप आपने BS किया, अब BSS की क्यों फील्ड में नहीं गए? अब दोबारा ला क्यों कंटिन्यू किया? वो भी मेरा शौक है, मैं दो डिग्री अलग अलग, मैं आपको समझा देता हूँ,
मैं आपको समझाता हूँ, बीएस मैंने जिस डिग्री जो डिग्री की है ना वो सोशल साइंसेज की डिग्री है, सोशल वेलफेयर की डिग्री है, और मेरी ऑलमोस्ट जो मैं काम कर रहा हूँ वो भी सोशल वेलफेयर का, यानी मैं अपनी डिग्री से मुंसलिक हूँ। मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया और वही मेरी डिग्री है, और अभी भी मैं कोशिश करता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट या जो भी माइनॉरिटीज के इशू है उसके ऊपर बात। किस मीडिया में बात ये चलनी है? ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया आप कह सकते हैं, मतलब ठीक है सोशल मीडिया वो लदा बात है। आप आगे जॉब में ट्राई करेंगे नहीं आपको मिलेगी किसी फील्ड, मीडिया में की फील्ड में भी नहीं मिलेगी, यहाँ तक आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी एक्सपीरियंस की वैल्यू क्यों नहीं। चले ये आप ओवरऑल बात कर रहे हैं, वैसे मैं अपनी बात करूं मुझे मेनस्ट्रीम मीडिया से भी बहुत सी ऑफर्स होती हैं और मुझे जॉब की वैसे जरूरत ही नहीं है। खैर आपका स्टांस मैं समझ गया हूं, वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मोस्टली लोग हैं डिग्री करके बेरोजगार बैठे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं जॉब कर हमारे मुल्क में, फिर इस वजह से यंग यूथ कह रहे हैं हम बाहर जाए, क्यों बाहर जाए? अब मैंने स्टडी छोड़ दी, अब मैं कहता हूँ मैं स्टडी के द्वारा कंटिन्यू करता हूँ, मुझे जॉब नहीं मिलती उस मेरी डिग्री का फायदा? ये चीज है आप ये आप एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हम मानते हैं। हाँ, तो आप अपनी मिस्टेक, अगर आप इसे मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, ये बन रही इधर है, इसका प्रोडक्ट इधर बना है, इसके शेयर उधर जा रहे हैं, तो बात तो वही हो गई ना, इसमें हमारी तो मिस्टेक नहीं, बाहर जो हमारे बड़े हैं जो बड़े हैं उनकी गलती है कुछ, वो इसे बायकॉट करवाएं। देखने वाले इसके ऊपर कमेंट जरूर करिएगा, मिलते हैं बंद करवाएं, ये पाकिस्तान में नामो निशान आ रहे हैं, बड़े सबसे पहले ना पिए ना हमने तो काफी ऐसी स्टिंग छोड़ दी है, हमने इसका हमने ये नहीं पीनी। अच्छा। तो वो कह रहे हैं हमारे पास और प्रोडक्ट ही नहीं है, है ही नहीं है। तो अब और हम कहाँ से अब क्या करें? सारी बात है, अब हमने ये खरीदी है, पैसे बड़े हैं तो अब हम ना पिए तो फिर फेंकने से तो नहीं ना दे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो नीचे कॉमेंट में बताना, तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।